कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी संसद में दिए गए अपने भाषण को लेकर सोशल मीडिया की सुर्खियों में छाए हुए हैं। राहुल गांधी ने संसद में उद्योगपति गौतम अडानी का नाम लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। इस बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने राहुल गांधी के भाषण को लेकर एक ट्वीट किया, जिस पर लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया। कांग्रेस नेता उदित राज ने लिखा, आज के राहुल गांधी जी का संसद के भाषण को जिसने न सुना वो पछताएगा। कांग्रेस नेता द्वारा किए गए इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने तंज कसते हुए कई तरह के सवाल किए हैं। धीरज सिंह राठौर नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, कल जिसने मोदी को नहीं सुना वो भी पछताएगा, अभी तो फिल्म बाकी है। वहीं एक यूजर अशोक मोहन ने लिखा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्पीकर महोदय, ओम बिरला जी ने जब राहुल जी को संदेश दिया कि बीजेपी की और आडवाणी की फोटो आप दिखाओगे तो बीजेपी भी आपकी और गहलोत जी की फोटो जरूर दिखाएंगे। ये सुनते ही राहुल गांधी एक बार में सीट पर बैठ गए, फिर कुछ नहीं बोले, क्या सुंदर नजारा था। वहीं एजी नाम के एक यूजर ने लिखा, उनको बोलो कि जरा सच बोले, एयरपोर्ट को प्राइवेट कंपनी को देने का एक्सपीरियंस का क्लॉज यूपीए ने लाया और हटाया, मोदी जी ने तो उसको इम्प्लीमेंट करवाए। गहलोत, बघेल, थरूर जिन्होंने अपने को कॉन्टेक्ट दिए उनसे भी पूछ लेते कि गलत को क्यों दिए। वहीं राकेश कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा, जिसने भी सुना होगा वो ज्यादा पछता रहा होगा। आलोक पटवारी नाम के एक यूजर ने लिखा, ठीक ही कहते हो, लाइव टेलीकास्ट सुना और मनोरंजन भी भरपूर हुआ, हर तीसरे वाक्य में गलत बयानी के साथ में सॉरी का तड़का। वही जागृति गुप्ता नाम के एक यूजर ने लिखा, हमने नहीं सुना और बहुत सुकून का अनुभव भी कर रहे हैं।